हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। अश्विनी वैष्णव ने कहा, मोबाइल बनाने वाली 200 इकाइयों के साथ दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बना भारत। जी हां, आपको बता दें कि आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली 200 इकाइयों के साथ दुनिया में दूसरे सबसे बड़े निर्माता के रूप में उभरा है। बकौल वैष्णव, बड़ी संख्या में निर्माण इकाइयों के कारण भारत के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का बाजार आकार 6 लाख करोड़ रुपए को छू गया है, जो कि अगले 5 वर्षों में 25 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच जाएगा। एक खबर के अनुसार आरबीआई की डिजिटल रुपया ब्लॉकचेन सभी लेनदेन को ट्रेस कर सकेगी। जी हां, पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई द्वारा विकसित की जा रही डिजिटल रुपया ब्लॉकचेन निजी कंपनियों की मोबाइल वॉलेट सेवा प्रणाली के विपरीत सभी लेनदेन का पता लगाने में सक्षम होगी। बकौल रिपोर्ट, डिजिटल रुपये में जारी यूनिट्स को सभी मौजूदा मुद्रा में शामिल किया जाएगा। बता दें कि आरबीआई की डिजिटल करेंसी अगले साल की शुरुआत में जारी हो सकती है। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार विधान परिषद चुनाव अकेले लड़ेगी राजद। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी बिहार में आगामी विधान परिषद का चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। यह कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की बातचीत के कथित तौर पर विफल होने के बाद आया है। दोनों दलों ने 2016 MLC चुनाव गठबंधन में लड़ा था, जिसमें कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली थी। विराट कोहली घरेलू सरजमी पर सबसे तेज 5000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। जी हां, विराट कोहली ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ शुरुआती एक दिवसीय मैच में बल्ले से शानदार प्रदर्शन नहीं किया और 4 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया। कोहली घर पर 5000 से अधिक रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। वित्त मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार किसी भी वैश्विक विकास से निपटने के लिए है तैयार। जी हां, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत वैश्विक घटनाक्रम से उत्पन्न किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इसमें अमेरिकी फेडरल रिजर्व के मौद्रिक सहजता को वापस लेने का निर्णय भी शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने कॉरपोरेट से अर्थव्यवस्था में सुधार का लाभ उठाने और निवेश बढ़ाने का आग्रह भी किया। यूपी चुनाव को लेकर अलीगढ़ में मायावती ने बीजेपी समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अलीगढ़ में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी के साथ सपा पर भी जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर अकेले अपने बूते पर लड़ रही है। हम 2007 की तरह सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। सीएम चन्नी ने कहा, आज से मैं अपने और अपनी पत्नी के नाम पर नहीं खरीदूंगा कोई भी संपत्ति। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री और आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि वह अपने और अपनी पत्नी के नाम पर कोई संपत्ति या व्यवसाय नहीं खरीदेंगे। चन्नी की टिप्पणी को आम आदमी पार्टी के आरोपों की पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है कि वह अवैध रेत खनन में शामिल थे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।